किसी व्यक्ति को किसी पद पर बैठाया जाता है और उसको शुभकामना देने के लिए अगर कोई पत्र लिखता है तो क्या वो शुभकामना पत्र लिखने वाला व्यक्ति उसको बनाने वाला बन जाता है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या हमको शंकराचार्य बनाया? हम जब शंकराचार्य बने तब उन्होंने एक शुभकामना पत्र लिखा। जब आपके देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहां विपक्ष के नेता बैठे रहते हैं, तो क्या वो बनाने के लिए बैठे रहते हैं? इतनी सी बात आप नहीं समझते हो और आप आगे बढ़ाते हो और हमसे भी आकर के प्रश्न पूछते हो। जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र लिखा उसी समय आनंदीबेन पटेल ने भी हमको पत्र लिखा, उसी समय अनुसुईया उइके ने भी हमको पत्र लिखा। ये तो राज्यपाल थी उस समय, अभी भी आनंदीबेन तो अभी भी राज्यपाल है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा पत्र लिखती है, उसके पास हैसियत क्या है? जिस समय हमारा अभिषेक हुआ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, उस समय मध्य प्रदेश में यह हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान थे, भाजपा के थे, वहां आए हुए भी थे जिस जगह पे ये कार्य हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, बहुमत के प्रधानमंत्री, 2-0 वाले थे, 3-0 वाले नहीं, 2-0 वाले, 300 पार वाले प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के पार्टी की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन थी, उन्हीं की पार्टी की अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी और दूसरे बहुत सारे दूसरे नेता थे जो अलग अलग मंत्रालयों में थे। इन सब की उपस्थिति में इन सब के पत्र हमारे पास आए, तो क्या इन सब लोगों ने हमको मिलकर बनाया होगा कि प्रियंका वाड्रा ने? किसके पास ज्यादा ताकत थी आप बताओ? उस समय सत्ता में जो लोग थे प्रदेश और देश की और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने जो पत्र लिखे उसमें ज्यादा ताकत थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्र में ज्यादा ताकत थी, बताइए? तो जब जब सब लोग लिख रहे हैं उसी में प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, वो भी देश की नागरिक है, वो समझती है कि शिष्टाचार क्या होता है, शंकराचार्य जी के नए शंकराचार्य का अभिषेक हुआ है तो मुझे भी एक शुभकामना का पत्र भेजना चाहिए, प्रणाम अपना भेजना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। तो जैसे सबने भेजा, सभी नेताओं ने भेजा, वैसे उसने भी भेजा। इतने मात्र से एक शुभकामना पत्र को दिखा देने मात्र से आप कह दे रहे हो कि उन्होंने हमको बना दिया और वो जो कह रही है वही हम कर रहे हैं। तो अगर अगर पत्र जिसने हमको भेजा वो जो कह रहा है वही कर रहे हैं तो भैया हमको तो पत्र बड़े बड़े लोगों ने, अभी हमने नाम गिना दिए कुछ, उन्होंने भी भेजे हैं तो वो भी जो कह रहे होंगे वही हम कर रहे होंगे, ये आशय क्यों नहीं निकालते हो? तो ये सब बातें ऐसी हैं कि मतलब बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आप पूछ रहे हो यही हमको आश्चर्य, खैर पूछ लो। उन्होंने क्योंकि अपशब्द तक आपके लिए बोल, ठीक है ना, अपशब्द बोल रहे हैं तो उन अपशब्दों को अपने कैरियर पर चढ़ा करके फैला तो आप रहे हो ना, कोई बात नहीं, आगे पूछो। आप बजट भी पेश करो, बजट पेश हुआ है आज और उसमें जो गठबंधन की भागीदारी पार्टियां उनको 50,000 करोड़ रुपए किसी भी सहायता देने की बात उस बजट में कही गई है, क्योंकि यह भागीदारी की सरकार है, कैसे देखते हैं क्या विकास चुनौती की बात कही जा रही है? देखिए बात यह है कि सब जानते हैं कि जब लचर सरकार माने बहुमत जब नहीं मिलता है किसी पार्टी को तो हर पार्टी जिसके पास ज्यादा नंबर होते हैं उसको दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ता है और गठबंधन तो सौदेबाजी से ही होता है और जिन लोगों से हुआ है वो कोई ऐसे उनके स्वाभाविक सहयोगी नहीं थे, पहले टकराहट हो चुकी थी, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप हो चुके थे जो आप लोगों के द्वारा मीडिया में चलाए गए, तो ऐसे जिनके साथ हमारे आक्षेप प्रत्याक्षेप हो चुके हैं सीधे नाम ले लेकर के जिसके अभ्यूज हम कर चुके हैं, अब शब्द हम बोल चुके हैं, उनके साथ हमको गठबंधन करना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रेम भाव से तो हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं सौदेबाजी से ही हो रहा है। अब वो सौदेबाजी दो तरह की होती है, कुछ अंदर से होती है कुछ बाहर से होती है। आजकल अपने देश में चलन पड़ गया है कि अगर रजिस्ट्री कराने जाओ बातचीत करो किसी से तो कहता है कि कितना एक नंबर से कितना दो नंबर से, है ना, तो कुछ कुछ लिखा पढ़ी में आ जाता है और कुछ बिना लिखा पढ़ी में रह जाता है। तो ऐसे ही जो गठबंधन बना होगा उसमें कुछ लिखा पढ़ी में होगा कुछ गैर लिखा पढ़ी में होगा, तो ये तो इसमें क्या बोलना है, अभी तो सब अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं कि आज की राजनीति देखिए ना, एक एक वक्तव्य हमारे जवाब में एक सांसद का आया, उन्होंने कहा कि अगर हम ये हमने विश्वासघात की बात की थी कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर ये हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या गोलगप्पा बेचेंगे, तो इसका मतलब वो मान के चल रहे हैं कि हम ये सब करने के लिए
ऑथराइज्ड हो चुके हैं, हम तो राजनेता हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए पाप क्या होता है, हमारे लिए पुण्य क्या होता है। तो जहां ऐसी मानसिकता हमारे देश के नेताओं की बन चुकी हो, वहां पर इतना करोड़ इतना करोड़ इतना 100 करोड़ दे दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं समझते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.